उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह सोमवार को जीडीए सभागार में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जिस सफलता से अपने 4 साल के कार्यकाल को पूरा किया है, मोदी सरकार की सफल कार्य से जनता में खुशी की लहर है। वहीं विपक्षी पार्टियां काफी भयभीत हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चलाए गए हैं। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त सरकार देश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक मजबूत भारत के निर्माण में अभूतपूर्व फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने का काम सिर्फ भाजपा सरकार में ही हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2018 को 4 साल में पूरे हो गए। 48 साल बनाम 48 महीने, इन 48 महीनों में माननीय मोदी जी ने वो काम किया जो पिछले 48 सालों में नहीं हुआ। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर चोट करने के लिए SIT का गठन किया और इसके बाद नोटबंदी यानी एक बहुत बड़ा स्टेप था। जिन देशों में नोटबंदी हुई, बाकी जनता सड़कों पर आ गई, उन देशों को अपना ये वापस लेना पड़ा निर्णय। लेकिन भारत देश की जनता ने सड़कों पर आकर माननीय मोदी जी को सहयोग करने का काम किया और कहा ये निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। ठीक इसी तरीके से गरीबों को आवास बनाकर देना, 1, 2, 3 गरीबों के ये 1 रुपये किलो का मोटा अनाज, 2 रुपये किलो का गेहूँ, 3 रुपये किलो का चावल, ये अब राशन कार्ड की दुकानों पर नहीं, अब माफियागिरी बंद, सीधा जो जनधन योजना में जो खाते खुले थे उन खातों के अंतर्गत अनुदान का रुपया जाएगा। लाभार्थी स्वयं अपने पैसे से इसको खरीदने का काम करेगा। और जो सर्जिकल स्ट्राइक की योजना है, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया माननीय मोदी जी ने, ये बहुत बड़ा काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान ने हमारे सोते हुए सैनिकों को मारा, लेकिन माननीय मोदी जी ने हमारे स्पेशल कमांडो भेज करके पाकिस्तान के सैनिकों को जगा कर मार कर आए और हमारे कमांडो को एक भी खुएच आने का काम नहीं किया। ये विशेषता माननीय मोदी जी की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 48,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया और हर रोज 135 किलोमीटर सड़क निर्माण की योजना है। 135 किलोमीटर सड़क बन रही है। दूसरा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 41.45 करोड़ खाते खुलवाए गए और इसमें मुद्रा योजना के अंतर्गत 7.45 करोड़ से अधिक गरीबों को 3.17 करोड़ रुपए का लोन दिया गया। हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नौजवान कहीं पलायन ना करें, इसके लिए मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना के अंतर्गत रोजगार देने का काम किया गया। 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए का कर्जा सहज उसमें दिया गया है ताकि बेरोजगार नौजवान स्वयं रोजी पैदा करें और दूसरे नौजवानों को रोजगार देने का काम करें। देश में किसान की ज़्यादा संख्या है, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और किसान रोता है तो पूरा देश रोता है, पूरा प्रदेश रोता है। अब उत्तर प्रदेश का किसान रोएगा नहीं, देश का किसान रोएगा नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर दी। पहले इसमें ये होता था 33% नुकसान पर ही नहीं देखा जाता था, 50% नुकसान पर देखा जाता था। अब मोदी जी ने इसे 35% पर लागू कर दिया। इतना ही नहीं, यदि किसान अपने खेत की बुआई नहीं कर पाएगा बाढ़ आने से, दुर्भिक्ष आने से, सूखा आने से, तो किसान को उतना ही मुआवजा दिया जाएगा जितना कि फसल के उत्पादन का मुआवजा दिया जाता। सॉइल हेल्थ कार्ड जारी कर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपया किसानों की सिंचाई को काम करेंगे, क्योंकि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है बंडरात मोर किराप, एक बूंद से अधिक फसल का उत्पादन, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर, इसके लिए लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के निर्देश पर योगी जी ने कैबिनेट का निर्णय लेकर, जैसे किसानों का 1 लाख रुपए का कर्जा माफ़ किया, इससे बड़ा निर्णय अब उत्तर प्रदेश के किसानों को ड्रिप इरिगेशन में
सीमांत और लघु सीमांत किसान को 90% का अनुदान और सभी बड़े किसानों को 80% का अनुदान इस योजना में दिया जा रहा है और ये योजना बहुत लाभकारी होगी। हमने उत्तर प्रदेश में हमारे सिंचाई विभाग में 33,000 राजकीय नलकूप थे और प्रत्येक मंडल में हमने एक राजकीय नलकूप पर 1 हेक्टेयर जमीन किसान की फ्री में मॉडल के रूप में हम सिंचित करके दे रहे हैं ताकि वो देख सके कि इस योजना से इतना फायदा होगा और पानी की भी बचत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जो योजना है किसान का दोगुना उत्पादन, दोगुनी आय, जब किसान को पानी मिलेगा तो उसकी उत्पादन की क्षमता भी दोगुनी होगी और आय भी दोगुनी बढ़ेगी। इतना कि इसका संज्ञान ले लिया गया है, ये तेल कंपनियों पर भी नियंत्रण करने की बात है और इसको पूरी तरीके से नियंत्रण मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है हर गांव को बिजली। इस योजना के अंतर्गत अभी ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत ये हमने उत्तर प्रदेश में माननीय प्रभारी मंत्री जी और जनता के साथ साथ संगठन और विधायक सांसद सब जाने का काम किया था। तो अभी LED वाला फिल्म फेरी देने की बात हुई और हर कोई भी ऐसा मजरा नहीं रहेगा जिसका विद्युतीकरण ना कर दिया जाए, हर गांव को बिजली पहुंचाने का काम कर दिया जाएगा। पहले तो उत्तर प्रदेश में 4-5 जिलों में ही बिजली जाती थी, विशेष जिले को बिजली दी जाती थी, विशेष दर्जा था। अब उत्तर प्रदेश में सभी बड़े नगरों को 24 घंटे बिजली, तहसील क्षेत्रों को 22 घंटे बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे बिजली और तो और किसानों को अधिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए किसान फीडर सरकार अलग बनाने का काम करेगी। आधार कार्ड के साथ सब लिंक कर देंगे, नहीं पैसे देंगे। आपने बताया तो इसका संज्ञान लिया, कड़ाई कार्रवाई करेगी। प्राथमिकता है, मृत्यु का कारण क्या है ये भी जांच का विषय है और सरकार किसान के लिए पूरी तरीके से समर्पित है।